नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु व्यापार डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तु के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं उसका कारण घर में कैसा वास्तु दोष है आप ये भी जान लेते हैं, उसके साथ साथ निवारण भी जान लेते हैं। तो आज भी आपकी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आग बनाने की एक्सपर्ट हैं। जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके वास्तु में करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। इतनी सारी जानकारियां हम आपसे ले चुके हैं कि हमारी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वास्तु को जितना समझ रहे हैं उतना और उसको जानने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। एक बार मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या चींटियों का संबंध भी वास्तु से है, उसका जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया था। खासकर आपने एक स्टोरी रिलेट की थी दक्ष प्रजापति जी से। इसके साथ ही मैंने सोचा क्यों ना एक सवाल जो और मेरे मन में है वो भी आपसे पूछ लिया जाए। क्या व्यक्ति को जब बार बार उबासी आती है, थकान होती है, आलस आता है, जम्वाइयाँ आती हैं, क्या उसका भी वास्तु से कोई संबंध है? जिम्भक का नाम पुराणों में आया है। ये एक असुर थे। इनका जन्म वानासुर के वंश में हुआ था। जैसे हम लोग गणेश जी को बोलते विघ्नहर्ता, वैसे ही उबासी के आलस के देवता जिम्भक है। आपने कई बार पौराणिक कथाओं में सुना होगा, जैसे कि आप खुद जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म तो हुआ था जेल के अंदर, तो वो वहाँ से कैसे पहुँच गए नंद बाबा के घर? आपको याद होगा, अगर ये कथा आपने देखी होगी टीवी सीरियल में या कथा पढ़ी होगी तो पता चला होगा आपको कि सारे लोग सो गए थे, बेहोश हो गए थे और आराम से कारागृह खुला और उनको ले जाया गया। जब वो वापस आए, वापस लॉक हो गया कारागृह और फिर सबको होश आया। ये क्या था? यहीं पे जिम्भक की भूमिका है। तो कई बार कई युद्धों में जिम्भक अस्त्र का प्रयोग भी किया गया। आप एक बात जानते होंगे, भागवत गीता जो है हमारा, उसमें आप एक प्रसंग पढ़ेंगे कि अनिरुद्ध अपहरण हुआ था। तो जब ये अपहरण करना था तो शिवजी और कृष्ण भगवान के बीच में युद्ध होता है, उस समय इस अस्त्र का प्रयोग किया गया था बेहोश करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिम्भक की भूमिका आदमी के आलस्य से अवश्य है। वामन पुराण में एक कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि इंद्र के पुत्र जयंत और जिम्भक के बीच में युद्ध होता है। तो जिम्भक का नाम कई बार कई पुराणों में और कई हमारी पौराणिक किताबों में आता है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि इनका वास्तु पुरुष से क्या संबंध है। मैंने आपको बताया था कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे वास्तु चक्र में हैं, तो जिम्भक भी अवश्य होंगे। जी हाँ, जिम्भक हमारे वास्तु चक्र में हैं। अब इनकी भूमिका क्या है? कुछ ऐसे घर होते हैं आप देखेंगे कि उनके घर में सभी आलसी होते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो आराम से लेट से उठेंगे, उनके लाइफ में मौज मस्ती भी वो करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं और बाकी टाइम वो रेस्ट ही करते हैं और कुछ नहीं करते। और एक काफ़ी घर आप ऐसा देखेंगे जो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, उनके वो सुबह 5 बजे की जगह 4 बजे भी उठ जाते हैं, रात में लेट तक भी काम करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये सिर्फ एक व्यक्ति के नेचर पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है। ये जो दोनों के बीच में इतना जो डिफरेंस है, कुछ हद तक ये हमारे घर के एंट्रेंस पे डिपेंड करता है। अब आप देखिए, सूर्य सुबह होगा और शाम को डूब जाता है। अब जिनका भी घर पूर्व में जिनके मेन एंट्रेंस है जिसमें सनलाइट सुबह सुबह आती है, ये सारे वो लोग हैं जो हाइपर एक्टिव है, ये एक्टिविटी उनकी ज़्यादा है। अब जिन लोगों का घर पश्चिम के तरफ में उनका दरवाज़ा है, ये सब जिम्भक के प्रभाव पे आते हैं और उन सब में आप देखेंगे काफ़ी हद तक एक आलस्यपन, उबासी और उतना हाइपर एक्टिव ये लोग नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि हमको गणेश जी की आराधना करनी पड़ती है विघ्न हरने के लिए, तो हमें जिम्भक की भी आराधना करनी चाहिए अगर हमारे अंदर आलस्य का भाव बढ़ता है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा आलस है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने काम से भागते हैं या फिर उनका उठने का या काम करने का मन नहीं करता, जिस प्रकार से जो लोग हैं अपने भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए या फिर सुख शांति के लिए ईश्वर का मनन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से आलस्य को दूर करने के लिए जिम्भक की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। हर बार आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बता देती हैं कि ऐसा लगता है कि आपसे जितने सवाल पूछे जाएं उतने कम हैं, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग तो मैसेज करते हैं, कहते हैं कि मैम ने जो जानकारी दी हमने कभी इसके बारे में कहीं सुना ही नहीं था, क्योंकि वास्तु सिर्फ लोग मोटा मोटी इतना ही समझते हैं कि बेड यहाँ लगा लो, इस दिशा में सर कर लो, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका स्टडी टेबल यहाँ लगा दो, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो जो कपल्स होते हैं उनका रूम यहाँ शिफ्ट कर दो। लेकिन ये जो आप जानकारियाँ बता रही हैं, कहीं ना कहीं ये पौराणिक कथाएँ हैं और इनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। जिस प्रकार से आप ये सारी जानकारियाँ उनको बता रही हैं, तो हम तो ऐसा मानते हैं कि हम और हमारे दर्शक दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आपके माध्यम से इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। हर बार हम एक मैप डिस्कस करते हैं, और अभी भी स्क्रीन पर एक मैप है और यहाँ ब्रह्मस्थान पर एक फाउंटेन नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत तो हम भी आपके साथ सीख ही गए हैं। तो यहाँ ब्रह्मस्थान पर एक फाउंटेन नज़र आ रहा है। ब्रह्मस्थान के बारे में आपने एक स्टोरी बताई थी कि ब्रह्मा जी वही हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ब्रह्मस्थान के बारे में जैसे कि आपने बताया था कि कुछ भी बना हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने घर में जब आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ब्रह्मस्थान में ही बनाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मैप है, इसको रीड करने के बाद क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, और इसके साथ ही क्या ब्रह्मस्थान सिर्फ सेंटर में ही होता है या उसकी जगह भी बदल जाती है? देखिए, अगर मैं इस नक्शे को आपको बताऊँ ना, तो मैं तो और किसी दिशा में मेरी नज़र जाएगी ही नहीं जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मस्थान में इन्होंने फाउंटेन बना दिया, यहाँ पर पानी का स्रोत खड़ा कर दिया। इस केस में मैं तो बाकी नक्शे को देखूंगी ही नहीं, मेरे लिए तो ये घर 100% रिजेक्शन में। आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास साक्षी है कुछ बातों का, हम आप इस बात को भूल चुके हैं। भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन आज कुछ और हुआ और हमने इसको इतिहास में खुद पढ़ा है। ये ब्रह्मस्थान में पानी को एक टूल की तरह यूज़ किया गया। गर्गा आचार्य जो थे वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करते कि ब्रह्मस्थान में वो जल बनाते। श्री कृष्ण भगवान ने इसको एक टूल की तरह यूज़ किया, आप खुद जानते हैं, पर अभी हम और आप भूल गए। देखिए, मैं याद दिलाऊंगी तो आपको याद आएगा कि जब पांडवों का एक महल बन रहा था तो श्री कृष्ण को पता था आगे पीछे कौरवों और पांडवों का युद्ध होगा, तो उन्होंने क्या किया, गर्गाचार्य के पास गए ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी वास्तु शास्त्र का उल्लंघन नहीं करते। वो गए मायासुर के पास, क्योंकि वो राक्षसों के शिल्पी थे, तो राक्षस तो अपना काम कर ही देंगे जो आप बोलेंगे। तो उन्होंने इंटेंशनली उनसे कहा कि इस घर में जलाशय ब्रह्मस्थान में बनाओ। अब आपको याद आ गया होगा, वहाँ जलाशय बनाने से वो पूरे वंश का समापन हो गया। आप इट्स बहुत डिफिकल्ट एक बात समझिए, कौरव में बोलते 100 बच्चे थे, 100 के 100 समाप्त हो गए कि युद्ध में। तो कितने चतुराई से इसे एज अ टूल यूज़ किया। तो अब आप ही खुद समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर अपने घर में फाउंटेन सीधा ब्रह्मस्थान में लगा दिया, क्या होता है जब हम एंटर किए तो अगर साइड साइड में अगर रूम्स हैं तो बीच में जो हॉल एरिया होता है तो बहुत जन उसके डेकोरेशन के लिए बीच में एक अच्छा फुहारा लगा देते हैं, फाउंटेन लगा देते हैं, साइड में बैठने की अरेंजमेंट, सोफा अरेंजमेंट, लॉन्च टाइप बना देते हैं। लेकिन अब आप खुद ही जिनका है ये नक्शा, वो खुद ही समझ सकते हैं कि ये उनको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा होगा। व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उस पर संकट आता है अगर हम ब्रह्मस्थान में कोई भी उल्लंघन करते हैं, और अगर हमने पानी कर दिया तो ये वंश तो खत्म करेगा ही। तो इस चार्ट पे तो मैं कुछ और टिप्पणी करना ही नहीं चाहती। जिस भी व्यक्ति का ये चार्ट है, मैं उनको बोलूँगी इमिडिएटली ये फाउंटेन अगर यहाँ से आप हटा सकते हैं किसी भी तरीके से तो इसको हटा दें। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है, इमिडिएटली आप इस घर को बेच दें, कोई और घर ले लें। ये मेरे ख्याल से वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा डिफेक्ट है। इसके बाद आगे एंट्रेंस कहाँ है, किचन कहाँ है, वो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये एकदम समाप्त है, इसमें कुछ देखने का ही नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ा फॉल्ट तो यही नज़र आ गया कि ब्रह्मस्थान में यहाँ पर फाउंटेन बनाया गया है जो कि विनाश कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। लेकिन ये जो ब्रह्मस्थान है, क्या ये सेंटर में ही रहता है या इसकी पोजीशन भी चेंज होती है?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बात मेरे मन में भी थी कि ये मैं आपसे शेयर करूं कि जो ब्रह्म स्थान होता है वो एक रेशियो में होता है, अनुपात में होता है, आपके पूरे लैंड या आपका जो पूरा फ्लैट है उसके अनुपात में उसकी एरिया को कैलकुलेट किया जाता है। तो ब्रह्म स्थान अगर मैं बोलूँ आपसे, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हर किसी में रेशियो 6% ही होगा। जब हम 81% की बात करें तो करीब 6-6.5% हुआ, कुछ केसेस में 11% भी होता है, कहीं वो 14% भी होता है, कहीं 15%, यहाँ तक कि 16% भी आपके एरिया का वो पार्ट हो सकता है ब्रह्मस्थान। तो ब्रह्मस्थान को हम या तो पॉइंट तो बोल ही नहीं सकते, जो भी लोग इसे पॉइंट बोलते हैं वो पॉइंट एरिया तो है ही नहीं। अब ये कम या बेसी होगा ये भी डिपेंड करता है आपके भूखंड और वो क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन उस पर हो रहा है, मंदिर है तो अलग है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसमें। तो ये बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा जटिल है, ये एक वास्तुशास्त्री ही बता पाएगा कि आपके उस ज़मीन में किस अनुपात में वो ज़मीन को विभाजित कर रहा है और किस कितना रेशियो उसमें ब्रह्मा जी को मिलेगा। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक ये समझा दिया कि ब्रह्मस्थान सेंटर में ही होता है, बस उसका एरिया छोटा और बड़ा हो जाता है। तो लोगों ने ये जानकारी जरूर प्राप्त कर ली होगी। इस चर्चा को हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा, आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान, क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार, तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर, नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, ब्रह्मस्थान के बारे में हमने बात की और आपको ये बताया कि ब्रह्मस्थान किस तरीके से अपने एरिया को छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी कि ब्रह्मस्थान जरूरी नहीं कि एक ही साइज का हो, उसका एरिया छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आपको देखना होगा, किसी वास्तुशास्त्री के माध्यम से ये जानना होगा कि उसका एरिया कितना है, और इसके लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं अगर उसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग जगह खरीदते हैं लेकिन उनको जगह का समझ नहीं आता कि कैसे खरीदनी है, किस तरीके से खरीदनी है, क्योंकि जिनको नॉलेज होती है वो भी ये प्रयास करते हैं कि हमें जगह बिल्कुल स्क्वायर मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपको बिल्कुल जगह स्क्वायर मिल जाए। कभी कभी देखा जाता है कि ईशान कोण कटा हुआ मिल जाता है और लोग खरीद भी लेते हैं, लेकिन क्या उससे उनके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? ईशान कोण, अगर हमारे वास्तु में आप पूछे हर कोण में से ईशान कोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोण है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, आप में से काफी लोग वास्तु पढ़े हुए भी हैं, जानकार भी हैं और थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो ईशान कोण के विषय में प्राय सभी लोग जानते हैं। तो ईशान कोण में हमने क्या जाना कि वास्तु पुरुष का सर होता है। अगर ईशान कोण कट हो गया तो इसका मतलब एक वास्तु पुरुष के बहुत महत्वपूर्ण अंग, उनका ब्रेन, उनका हेड कट हो गया। ये होने से क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है वो अगर किसी साझेदारी में है या उनके अपने कोई भाई है, तो इनके बीच में मुकदमेबाजी, लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे को समाप्त करने के लिए किसी भी स्तर या हद तक जा सकते हैं। तो आपको समझ में आता होगा कि ज़्यादातर जो भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ देखी गई हैं, जिसमें एक दूसरे को मारने पर उतार हो जाते हैं, कानूनी दाव पेच से एक दूसरे को जेल तक भेजने की सारे षड्यंत्र रच लेते हैं, उनमें ईशान कोण कटा हुआ मिलने की मैक्सिमम संभावना होती है। अगर आप ऐसे किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अवश्य उसका निदान इमीडिएटली कराएं, नहीं तो ये कानूनी पेचों में आप इस तरीके से उलझ जाएंगे कि आपकी संबंध तो खराब होंगे, आपका जीवन भी खराब हो जाएगा।
बिल्कुल, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपने जो फ्लैट या जगह खरीदी है वो बिल्कुल स्क्वायर है, ये भी देखना ज़रूरी है कि उसका ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक तो लोगों को ये नॉलेज है ही कि ईशान कोण में घर का मंदिर बनाया जाता है, वहाँ भगवान का स्थान दिया जाता है, जब वही कटा हुआ होगा तो लाइफ पर तो इफेक्ट पड़ना ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, लेकिन आपसे मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें, घर में ऐसा किस चीज़ का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी का वास हो जाए। चलिए, आप सब जानते हैं अमावस्या के बारे में, चलिए अमावस्या पे एक आपको बहुत छोटी सी टिप्स बताती हूँ। सोमवार में अगर कोई अमावस्या पड़ती है उसमें आप श्री यंत्र पे पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और इसे आप याद रखें कि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करें। जब आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड लोकेशन है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में ईशान में आपने बैठा और आप फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, जैसे कि अभी मैं आपको फेस कर रही हूँ। अगर ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आपका फेस ईस्ट के तरफ होना चाहिए, ठीक है। कुछ ये दोनों में से अवेलेबल नहीं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर लीजिए, लेकिन चेष्टा करिए कि आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ ही देखें और किसी दिशा में नहीं। तो करना क्या है, सोमवार हो, अमावस्या हो, श्री सूक्त का पाठ करना है और श्री यंत्र पर करना है, चमत्कार आप ही के घर में होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि इस तरीके से पूजा पाठ करने से चमत्कार तो ज़रूर होना ही है, लेकिन वह ठीक प्रकार से होनी चाहिए, पूरी विधि विधान के साथ होनी चाहिए। मैम अब ये सवाल जो आपने अभी जो जवाब दिया मेरे सवाल का, इसके बाद एक सवाल और मेरे मन में आ गया, शायद लोगों के मन में भी आ ही गया होगा ये सवाल कि जब व्यक्ति अपने ऑफिस में होता है या घर में होता है तो कहीं ना कहीं एक स्थान ऐसा होता है जहाँ वो अपने पैसे रखते हैं या तिजोरी रखते हैं, तो घर में और ऑफिस में तिजोरी रखने का स्थान क्या एक ही दिशा में होना चाहिए या फिर उनकी दिशा अलग अलग होती है, और वो दिशा होती कौन सी है? कुबेर को हम सब जानते हैं, ये धन के ही देवता हैं, तो कुबेर को स्थान वास्तु में नॉर्थ में दिया गया है। तो अगर आपका तिजोरी, गल्ला, ये कुछ भी है जिसे आप रखना चाहते हैं सेफ, जिसमें पैसे रखते हैं, तो नॉर्थ एक बहुत अच्छा जगह है रखने के लिए। तो दर्शकों देखा आपने कितना आसान है, उपाय आपके घर में ही है, बस करना आपको है और सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा उपाय करना है, किस समय करना है, किस तरीके से करना है, और ये सारी जानकारियां आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि बाकी के जातक भी ये चाहते हैं कि उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएं, जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर पाए, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, धन की वर्षा हो जाए, बिगड़े हुए कार्य बन जाए, भविष्य उज्जवल हो जाए, तो जरूर संपर्क करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो मैम अभी बहुत सारी जानकारियां हम आपसे प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो समय आ चला है आपके एक प्यारे से टिप का जिसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं और आज भी शायद कर रहे होंगे। रेशमी जी हमेशा टिप्स के पीछे ही रहती हैं, चलिए आज इनको एक बहुत अच्छा टिप्स बताते हैं। हम सब महिलाएं हैं और किचन में काम थोड़ा बहुत करती हैं। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हर किसी के घर में प्रेशर कुकर नहीं फटता है, ये मानेंगे आप। हर किसी के घर में सिलेंडर लीक होता है ऐसा नहीं होता है। हर किसी घर में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक वायर्स जल जाते हैं, नहीं होता है ना, किसी किसी के घर में होता है। किन के घर में होता है? उन लोगों के घर में होता है जिनके नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट हो। अगर हमने अग्नि के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर दी है, वास्तु पुरुष में अग्नि देवता को हमने अगर रुष्ट कर दिया है, तो वो हम ही होंगे जिनके घर में सिलेंडर भी फटेगी, वही होंगे जिनके इलेक्ट्रिक वायर जलते रहेंगे, वही होंगे जिनके घर में प्रेशर कुकर भी फटेगा, तो और ऐसा भी होगा कि पटाखे भी हमारे हाथ में फूटेंगे या ला के रख दिया और घर में दुर्घटना हो गई पटाखे से। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे पटाखे के कारखाने में भी आग लग जाती है, आप जाएं उनका ईशान कोण जाकर देखें, आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमने वहाँ पे अग्निदेव को रुष्ट किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो तो नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपना कीमती समय दे के हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया और हर बार की तरह टिप भी दी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाल पाती हैं ताकि हमारे दर्शकों की समस्याएं दूर हो जाएं। फिलहाल मैं यहाँ रुकना होगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन अगले एपिसोड में ज़रूर आपसे और भी बहुत सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।